हेलो स्टूडेंट, अभी हमको प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन देखना है। तो प्रैक्टिस सेट 2.4 में जो इक्वेशन जो दिया है 5x² + 13x + 8 = 0, तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या करते हैं, अपन सबसे पहले उस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, डायरेक्ट कंपेयर करते हैं किससे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c से कंपेयर करते हैं। तो आपको ए की वैल्यू जो होती है, x² का कोफिशियंट 5 है तो ए की वैल्यू 5 होगी, x का कोफिशियंट 13 है तो बी की वैल्यू 13 होगी, और कॉन्स्टेंट सी जो है वो 8 है तो 8 रहेगा। अब उसके बाद में हम b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं। तो b² बोला तो 13 का स्क्वायर - 4ac, तो ये बोला तो 5 है और सी बोले तो 8 है, 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 169 हो जाएगा। -4 5 = 20 और 28 = 160, BRT 16 और 0 160, तो 169 में से 160 गए तो 9 बचेंगे, तो b² - 4ac की वैल्यू 9 आ गई। अब लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बोलता है, x² = -b + √b² - 4ac/2ac। तो -b बोला तो b की वैल्यू देखो 13 है, तो -13 + √b² - 4ac की वैल्यू 9 है, रूट में b² - 4ac की वैल्यू 9 है, b² - 4ac की वैल्यू 9 है, तो रूट में 9 आ जाएगा, और ट्वाइस ए तो ए की वैल्यू 5 है, तो -13 + √9 की वैल्यू 3 होगी, तो +-3 हो जाएगा और 2 5 = 10 हो जाएगा अपॉन में। अब एक बार पॉजिटिव वाला 3 लिखेंगे और एक बार नेगेटिव वाला 3 लिखेंगे, तो -3 + 3 / 10 आएगा और में एक्स की वैल्यू -13 - 3 / 10 आ जाएगा, तो -13 + 3 तो -10 हो जाएगा, तो -10/10 हो जाएगा एक्स की वैल्यू, और उधर में -13 और -3 - 16 हो जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू -1 होगी, या फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो -16 के आधे 8 होंगे और 10 के आधे 5 होंगे, दोनों से दोनों दोनों को 2 से डिवाइड कर दिए, तो -16 के आधे 8 होंगे, 10 के आधे 5 होगी, तो -8/5 होगा, तो एक्स की वैल्यू -1 और एक्स की वैल्यू -8/5 होगी। ठीक है, इस तरह से -1 और -8/5 ये रूट्स होंगे आपके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर। तो आपको ये तीनों सभी सभी जो क्वेश्चन है, चारों के चारों क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए से बनाना है। तो m² - 14m + 13 = 0, इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से बनाना है। x² + 10x + 2 = 0, इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से बनाना है। आपको बाजू में वैल्यू दी हुई है, आंसर दी हुई है उनके, ये आंसर लाने की कोशिश करना। x² - 2x - 3 = 0, और लास्ट है चौथा 25x² + 30x + 9 = 0। यहाँ पे जो वैल्यू आंसर दिए तो पहले अपने मन से निकालना और कंपेयर करना कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, इनसे कम देख के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो।